हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंशन फ्री। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग कैसे ECR फाइल को तुरंत टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना CSV फाइल में कन्वर्ट किए हुए डायरेक्टली। तो एक ये छोटी सी फाइल है जो ECR फॉर्मेट है, आप सभी को पता ही होगा ये डिफ़ॉल्ट ECR फॉर्मेट है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स रहती है। हम इस फाइल को पहले तो सेव कर लेते हैं एक बार। मैक्रो एनेबल्ड में हमें सेव करना पड़ेगा तभी ये फाइल हमारी काम करेगी। तो मैंने मैक्रो एनेबल्ड में इसको सेव कर लिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको, इसकी हेल्प से हम लोग सीधे इस ECR को हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना हमें उसके लिए CSV कॉमा यूज़ किए। नॉर्मल डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है जो PF की तरफ से हमें मिला हुआ है, UN नंबर, मेंबर नंबर, EPF वेजेस, DDLI वेजेस, फिर उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है जो आप सभी HR प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे होंगे, राइट। तो इसमें बस हमें अब कुछ भी नहीं करना है। ये पूरा जो आपका फॉर्मेट है इसको हमें कुछ नहीं, बस ये बटन मैंने लगाया हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है और ये पूरी इस फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें छोटा सा मैंने मैक्रो लगाया हुआ है और वो फॉर्मूले बेस पे बनाई हुई है एक्सेल शीट। तो आप देख सकते हैं इस टैब को हम क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो टैब है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर मेरी ये ECR टेक्स्ट फाइल जनरेट हो चुकी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको दोबारा एक बार करके दिखाता हूँ। जितना भी आपका ये UN के बाद जो भी है आपका जितना भी एम्प्लॉय का डेटा होगा ये इन सब को पिक करके और टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। इस कॉर्नर में आप देखेंगे ECR टेक्स्ट फाइल जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ दोबारा क्लिक करके और आप वहाँ देखिए, अब देख सकते हैं आप ECR टेक्स्ट फाइल आ गई है। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, आप क्लियरली देख सकते हैं कि #-# फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल हमारी रेडी हो चुकी है और जबकि हमने CSV फाइल का यूज़ भी नहीं किया है। जबकि प्रोसेस यही कहता है कि एक्सेल ECR को हमें पहले तो कन्वर्ट करना होगा CSV में और उसके बाद हमें इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन इस एक्सेल की शीट से आप इजीली इसको उसमें कन्वर्ट। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये टेक्स्ट फाइल एरर फ्री रहती है बिल्कुल। आप एक बार में इसको अगर अपलोड करते हैं तो ये अपलोड हो जाती है। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। मैं PF की साइट पर लॉगिन कर लेता हूँ, एम्प्लॉय लॉगिन कर लेता हूँ अपना और देख लेते हैं एक बार और कैसे इसको हम लोग, यूज़र नेम शायद गलत हो गया है, मैं एक बार दोबारा री एंटर कर लेता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट फाइल जनरेट हुई है वो वैलिडेट हो पाती है कि नहीं हो पाती है। बहुत सिंपल सही है ये, आपको अब CSV फाइल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लॉगिन हो गया है, PF का पेज आ चुका है अपना पोर्टल का, एम्प्लॉयर पोर्टल का। अब मैं आपको ECR अपलोड करके दिखा देता हूँ जो टेक्स्ट फाइल है हमारी। ECR अपलोड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ECR फाइल अपलोड पे जाएंगे हम लोग। वेज मंथ ये हमारा मई का है तो मई का हम ले लेते हैं। सैलरी डिस्पोजल डेट कोई भी एक डाल लेता हूँ मैं, बाय डिफ़ॉल्ट 4th of June डाल लेता हूँ मैं। ये अब मैं अपनी टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर देता हूँ। ECR पे क्लिक करके और रिमार्क्स में मैं इसको लिख देता हूँ टेक्स्ट फाइल, राइट। आइए इसको कर देते हैं, अब मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही अपलोड पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि जो हमारी टेक्स्ट फाइल जनरेट हुई थी वो एरर फ्री है और एक ही गो में वो अपडेट हो गई है। अब देखिए वेरीफाई रिजेक्ट का आ चुका है बट मैं ऑलरेडी मई का चालान रेडी कर चुका हूँ तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। बाकी प्रोसेस से आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्मली आपका बहुत टाइम बच जाएगा इससे और एरर्स भी नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स आप लोग के लिए। अगर जिसको भी चाहिए ये शीट एक्सेल की तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी लिखी हुई है, आप उसमें कमेंट करके या मेल करके आप शीट ले सकते हैं। थैंक